न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 5 गौवंशियों के साथ एक अभियुक्त को बेरीपार पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 अभियुक्त हुए फरार। सीओ बागगांव ने कहा फरार अभियुक्तों को गिरफ्त में लेने के लिए लगाई गई है टीमें, जल्द होगी गिरफ्तारी। ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर किया वाहन चेकिंग, शराब पीकर वाहन चलाने तथा हेलमेट की हुई जांच। एसपी ट्रैफिक ने कहा नियमों का पालन नहीं करने पर 150 लोगों का काटा गया चालान। 8वीं मुहर्रम को इमामबाड़ा स्टेट के मियां साहब अदनान फारूक अली शाह ने निकाला परंपरागत गश्ती जुलूस, अपने पुरखों के कब्र पर पढ़ा फातिहा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर 17 सिंधी पंचायतों को किया गया सम्मानित। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश पूजा को देखने परिवार के साथ पहुंच रहे श्रद्धालु, धर्मशाला के महाराजा के नाम से विराजमान है गणेश जी। करबला के 72 शहीदों को माहे मुहर्रम में शिद्दत से किया जाता है याद, शहर में विभिन्न जगहों पर रखा जाता है ताजिया, बाजार में 10,000 से लेकर 70,000 तक के हैं ताजिया। 3 साल से मानदेय नहीं मिलने के विरोध में स्वच्छता ग्राही संघ ने किया धरना प्रदर्शन, जताया विरोध। और श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व पर गुरु नानक देव स्टडी सर्किल ने गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी का किया आयोजन, 2 अक्टूबर को होगी क्विज परीक्षा।